सिक्स रीजंस व्हाई यू शुड अडॉप्ट देसी डॉग्स। जो गली में डॉग्स अवेलेबल होते हैं आप उन्हें अडॉप्ट करें, ब्रीडर से जाके ना खरीदें। इसके रीजंस हम बताते हैं क्यों। देखिए, नंबर वन, आप डिस्करेज करिए बैकडोर ब्रीडर्स को, अडॉप्ट कीजिए शॉप नहीं कीजिए। आपको पता होना चाहिए जो ब्रीडर्स हैं, जो पपी मिल्स हैं, जो पेट स्टोर्स हैं, वो फीमेल मदर्स को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करते हैं, उनका रेप किया जाता है, फिर उन पपीज़ को सेल किया जाता है, फिर से ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और जब माँ बच्चे देने लायक नहीं रहती तो माँ को फेंक दिया जाता है। दूसरा रीज़न, देखिए वो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तीसरा रीज़न, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वो वेल अडेप्टेड है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ की, जैसे मान लीजिए जर्मन शेपर्ड है या हस्की है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इनका आप देखिए फ़र होता है डबल कोट सिंगल कोट। इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, यहाँ सारा टाइम ठंड नहीं रहती, तो ये जहाँ जिस कंट्री के हैं उस हिसाब से ये वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन इंडियन कंट्री के हिसाब से इंडियन क्लाइमेट को जो सूट करेगा जो डॉग को, वो इंडी देसी डॉग ही है। बाकी डॉग्स को तो फिर अगर आप ऐसे ज़्यादा फर वाले डॉग्स ले आएंगे तो फिर उनको तो सारा टाइम गर्मी लगेगी, देन यू नीड एसी या फैन या कूलर, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हम अगले पॉइंट पे आते हैं। इंडीज आर ऑफकोर्स लो मेंटेनेंस, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से हैं, उनका ग्रूमिंग का खर्चा नहीं है, मतलब ग्रूमिंग होता है ना, कटिंग आप जो कराते हैं, वैसे उससे डॉग की इम्यूनिटी ख़राब होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका नेल्स कटवाने हैं, ईयर साफ रखवाने हैं, बाकी लो मेंटेनेंस है। एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर पैक। पैक मतलब ये ग्रुप में चलते हैं, आप भी इनके हिस्से का, इनके ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। वेरस जब आप एक चीज़ खरीद के लाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हिस्सा बन पाए, क्योंकि आपने वो चीज़ खरीदी है, और वैसे भी दोस्त खरीदे नहीं जाते, दोस्त बनाए जाते हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। एक वहीं के डॉग को, जो वही उसकी टेरिटरी है, उसको वहीं से पिक करना बहुत बड़ी बात है। यू आर गिविंग होम टू अ होमलेस डॉग, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लविंग फैमिली, व्हाट मोर डू यू नीड। दे कैन अडाप्ट ईजिली, क्योंकि ये वो यहीं से होते हैं, उनके माहौल उन्होंने देखा हुआ होता है। अगर आप अपनी गली का ही अडॉप्ट करते हैं तो दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे कैन सर्वाइव। जब आप पपीज़ लाते हो आपको उनको लीश पे रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे जो डॉग्स होते हैं जो आप अपनी गली से ही उठाते हैं, जो एडल्ट है भी हैं या पपीज़ भी हैं, दे डू नॉट लीड लीश, उनका अटैचमेंट ही आपसे इतना ज़्यादा होता है कि लीश की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है।